में लगातार उद्योग व्यापार बंद होते जा रहे हैं। राज्यसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री ने जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर 30 जून 2024 तक हरियाणा में 2,20,000 जीएसटी रजिस्ट्रेशन विड्रॉ हुए। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि हरियाणा में इस 1.5 वर्ष के दौरान 2,20,000 व्यवसाय बंद हो गए, उद्योग और व्यवसाय बंद हो गए। यह हरियाणा सरकार का दिवालियापन समझने के लिए बहुत है। हर रोज 200 उद्योग बंद हो रहे हैं। हरियाणा की यह जानकारी केंद्र सरकार ने दी है, हमारा वर्जन नहीं है। यह आंकड़ा पार्लियामेंट में केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। हरियाणा में कोई सहायता ना मिला सरकार से, कठिन जीएसटी प्रणाली, बिगड़ा हुआ लॉ एंड ऑर्डर और हर रोज गोलियां चला के फिरौती मांगना, मर्डर कर देना, कानून राज की जगह गुंडा राज होना इसका प्रमुख कारण है। व्यापारी और व्यापार को ठप कर दिया सरकार ने। व्यापार के लिए हरियाणा सरकार की कोई नीति नहीं है, ना व्यापारियों के सुरक्षा के लिए काम हुआ, ना उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए काम हुआ। सरकार वायदा करती थी कि उद्योगों की तरफ ध्यान देगी, कोई ध्यान नहीं दिया। आज तक 1 रुपया उद्योगों को रिवाइव करने के लिए लगाया, क्यों? ये उद्योग बंद हो रहे हैं, इससे बेरोजगारी फैलती जा रही है और केंद्र सरकार ये कह रही है, परंतु हरियाणा सरकार ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध के रखी है। आज मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बात करते हैं, परंतु इनको सीख लेनी चाहिए किस प्रकार पंजाब के अंदर हम नई उद्योग नीति लेकर आए। हमने एक अलग रजिस्ट्री के माध्यम से पहले दिन से उद्योगों की सारी सैंक्शन दे दी और प्रतिदिन निवेश बढ़ रहा है। हरियाणा में प्रतिदिन निवेश घट रहा है। ये जंगल राज खत्म करें और उद्योग और व्यापारियों का सहयोग करें, ताकि सरकारी नौकरी तो आप नहीं दे पा रहे, प्राइवेट सेक्टर में कम से कम बच्चे को रोजगार मिल सके। धन्यवाद।